आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कल हो चुका है, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सारी कैटेगरी के बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे, जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन, जे एंड के और इंटरनल जो स्टूडेंट है, सारी कट ऑफ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग जो है उसे कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है हमने उसकी आंसर की जो है वो अपलोड कर दी है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 था, जिसमें था हाल ही ने जो है वो सादगी और असलियत के अलावा किसको अहमियत दी है। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कायनात का मुताला, हालांकि वो गलत है, आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था, जिसका हो जाएगा जोश। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग उसे कर सकते हैं। आप लोग उसके एतबार से वीडियो को जो आंसर की है उसमें आप इस वाले ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले आपको इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो आने वाले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। हालांकि इस बार जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि यूनिट में से आपको जो है वो एक सवाल करना होता है, तो उसी में जो है वो काफ़ी सारे सवाल जो है वो हमने बच्चों से पुटअप किए हैं। बच्चों ने हमें बताए हैं कि सर ये वाले सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हालांकि ज़्यादातर बच्चों का यही रिस्पॉन्स था कि जो हमें क्लास में पढ़ाया गया था बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले सब्जेक्टिव में। हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो है वो 30 से 32 क्वेश्चन थे जो क्लासरूम के अंदर पढ़ाया गया था, उसी में से जो वो आपको पूछे गए थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि इसमें मसूद हुसैन खां के आगाज़ के बारे में जो है वो आपको बता रहा था, क्योंकि आपको पता है मसूद हुसैन खां ने जो है वो इसके लिए उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के लिए जो है वो काफ़ी तहकीक की है, और उन्होंने जो अपना नज़रिया है वो नवाए दहली को बताया, तो उनके नज़रिए के बारे में जो है वो आपको लिखना था, मसूद हुसैन खान ने। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन था वो था दक्कन में उर्दू के बारे में जो है वो आपको वजाहत करनी थी, ये भी आपको पता है नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब में इस बारे में ज़िक्र किया है। इसके अलावा मीर तकी मीर की गज़ल गोई के बारे में जो है वो आपको लिखना था, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हमने क्लासरूम में कराई थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 था ज़ोक की कसीदा निगारी, ये भी जो है वो आपको क्लासरूम में कराया गया था, ज़ोक की कसीदा निगारी पर जो है वो आपको तफसील से नोट लिखना था। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन था मीर अनीस की मरसे निगारी पर जो है वो आपको रोशनी डालनी थी, मीर अनीस की मरसे निगारी पर जो है वो रोशनी डालनी थी। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आपसे जो है वो गालिब पूछा जाता है। पिछली बार गालिब की जो है वो गज़ल गोई के बारे में पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है वो गालिब की खतूत निगारी पर जो है वो आपसे मालूमात के अतबार से जो है वो सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, ये था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर जो है वो आपको वजाहत करनी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव का जो पेपर है वो घर के लिए नहीं मिलता है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है वो सबमिट हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चों ने ये सवाल के जवाब हमें दिए थे जिनको भी याद थे। बाकी अगर हमें अब बाकी के सवाल मिलेंगे तो उसके आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी के आपको जिसको घड़ी का इंतज़ार था, जिससे आपका दिल जो है वो धक धक कर रहा था, वो मैं आपकी धड़कन को जो है वो कम कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बिल्कुल 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप लोग जो है वो इत्मीनान से बैठे रहें। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिपेंड करती है आपकी ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और सब्जेक्टिव में जो है वो बहुत टफ कह सकते हैं मार्किंग होती है, इसलिए जो आप नंबर गेन कर सकते हैं वो आप ऑब्जेक्टिव में ही कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में जो है नंबर बढ़ने की या कह सकते हैं नंबर ज़्यादा आने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें यूआर की, पेपर के लेवल को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल का बनाया गया था, कि जिस तरह से एग्ज़ाम का पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि अब आप एक मैच्योर सेंसिबल स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है वो 2 कदम आगे रहने की ज़रूरत है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो सबका ख्वाब होता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने का। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार
पिछले साल से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसी के एतबार से हम लोग कह सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रह सकती थी, लेकिन जैसे पेपर को देखा तो हमें अनुमान हुआ, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट को हम लोग कह सकते हैं कि इजी नहीं था और टफ भी नहीं था, बल्कि बीच का था। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके गया होगा, उसने जो नंबर गेन किए होंगे, तो वो 30 नंबर आराम से ले आया होगा। अगर आप उसने एक आधा तुक्का भी लगाया होगा, तो 35 तक उसका जो है वो ऑन एवरेज पहुँच सकता है। तो हम लोग उसी पे कह सकते हैं, उसी के एतबार से या उसी के मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 63 से 65 रह सकती है, ये दोनों को मिला के है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव की। इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 60 से लेके 63 तक, यानी कि जिसके 60 नंबर आएंगे या 63 नंबर आ जाएंगे या इसके बीच में से भी आ जाएंगे, तो उसका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की, क्योंकि मुस्लिम ओबीसी को जब वो अलग से नंबर मिलते हैं या कह सकते हैं अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो हम लोग कह सकते हैं जिसके 60+ हैं उसका जो है वो नंबर आ सकता है। यहाँ पे आप लोग 58 भी मान सकते हैं या 59 भी मान सकते हैं मुस्लिम ओबीसी में, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी जो है वो आप लोग अंदाज़ा उसे लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम वुमेन की, क्योंकि मुस्लिम वुमेन की भी जो है वो अलग से कैटेगरी आती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो मुस्लिम वुमेन की हम बात करें तो 55 से लेके 58 तक, यानी कि 55 से लेके 58 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है आप मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में, तो आपको जो है वो सिलेक्शन पक्का है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों की, JNK की, क्योंकि तो आपको पता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है वो 30 सीटें रिज़र्व हैं, यानी कि 30 सीटें होती हैं MA उर्दू की, तो उसमें से जब वो 2 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए रिज़र्व होती हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 45 से लेके 50 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है और आप जम्मू कश्मीर से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप लोग जो है वो सिलेक्शन पा सकते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और कैटेगरी आती है, वो होती है इंटरनल वो होते हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो उसी पे बेस पर जो है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर उनके 45 से लेके 47 या कह सकते हैं 48 भी आ जाएंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे आप लोग इसे थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, 42 या 43 भी जो है इसे मान सकते हैं इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए जो है वो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलता है उनको। तो ये सारी चीज़ें हुई जो आपको बताने थी, ये इसमें से जो है वो आप लोग एक दो नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। हालांकि एक और कैटेगरी आती है जो आपको देखने को मिलेगी, वो होती है PWD। तो PWD का भी जो इतने में ही रहता है, 40 से 45 अगर आपके आ जाते हैं तो आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो PWD कह सकते हैं पर्सनल विद डिसएबिलिटीज़, यानी कि जिसमें बॉडी में कुछ कमी या कोई ख़राबी होती है कुदरती तौर पर, उनको जो है वो ये रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव पेपर और ये आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैंने आपको बता दी। बाकी आप लोग भी हमारे साथ अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से भी, हमारा नंबर आपको पता ही है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने मार्क्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो मान के चलिए 4 हफ्ते कम से कम जो है वो आपको इसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 4 हफ्ते कम से कम लगते हैं। बाकी जैसी भी इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या आपको हम लोग कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो हम लोग इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।